सारी दवाइयाँ जल्द से जल्द ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? कौन हो तुम? डॉक्टर साहब कहाँ है? अरे मैं ही हूँ, डॉक्टर चमेली। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता डॉक्टर होकर इतनी साफ हैंडराइटिंग। सच सच बताओ डॉक्टर कहाँ है? ओ अच्छा, इतनी सी बात, लाइए। अब आया ना मजा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में बहुत मजा आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप भी ठीक है, अभी कर देता हूँ। हाँ जी बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मैं रूम में चलकर जा रहा था और मेरा घुटना बेड से टकरा गया और मेरे चोट लग गई। क्या? अब तो आपकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। है? ब्रेन सर्जरी? हाँ, देखिए आपके घुटने में चोट लगी है ना। हाँ। तो इंसानों का दिमाग घुटने में होता है और आपका भी होगा, और अगर आपका दिमाग घुटने में है तो हुई ना ब्रेन सर्जरी। अरे आप पागल हो क्या? मुझे नहीं करवानी सर्जरी। आप एक काम करो, मेरी कमर में बहुत दर्द है, कमर का इलाज बता दो। ओहो, तो आपकी कमर में भी दर्द है? और कमर जुड़ी हुई होती है रीढ़ की हड्डी से, और रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है सर से, और सर में होता है ब्रेन। तो आपकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे यार मुझे नहीं करवानी सर्जरी, और ना मुझे आपसे इलाज करवाना है। और हाँ मैं लॉयर हूँ, आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। ओहो, तो आप लॉयर हैं? हाँ। तो आप लॉयर हैं और केस भी लड़ते होंगे, और केस को बंगाली में केश कहते हैं। केश का मतलब होता है बाल, और बाल होते हैं सर पर, सर मतलब ब्रेन। तो आपकी ब्रेन सर्जरी होगी। डॉक्टर साहब कोई बढ़िया सी दवाई लिख दीजिए कि आज के आज ही तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा आप एक काम करिए, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, एक मिनट, ये दवाई और ये सिरप ले लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। लेकिन आपको तो जुखाम में छींक आती है ना? Yes! और छींक से आपके बाल झड़ सकते हैं। तो उसके लिए ये टैबलेट और ये सिरप ले लीजिएगा, आज की आज। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, एक मिनट, आपकी तो आई साइट भी वीक हो सकती है, तो उसके लिए ये आई ड्रॉप डाल लीजिएगा आज। अरे लेकिन मेरे को तो पैर के नाखून टूटने का इलाज कराना था। हो पैर का नाखून, एक मिनट, उसके लिए तो ये दवाई, ये वाली भी ले लेना, ये शाम को लेना, ये सुबह लेना, ये खाना खाने के बाद लेना, और ये उससे पहले लेना, और ये सारी पट्टी लगा लेना पैर पे, जहाँ घाव है ना वहाँ पे लगा लेना, और ये सब और ये सारी दवाइयाँ ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे नहीं ठीक होना, मुझे नहीं कराना तुमसे इलाज। आजकल के पेशेंट दवाई खा के राजी नहीं है। जी बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया हूँ। आप परेशान नहीं होंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, बताइए। डॉक्टर साहब मैं रात भर सो नहीं पाता और दिन में नींद नहीं आती है। तो आप सोते कब है? जब मैं जॉब पर जाता हूँ। क्या आप क्या जॉब करते हैं? जी मैं पायलट हूँ, प्लेन उड़ाता हूँ। क्या? अच्छा रुकिए, मैं आपको दवाई देता हूँ। ये क्या है डॉक्टर साहब? बस देखते जाइए, दो मिनट में मैं आपकी दवाई रेडी कर देता हूँ।
अरे लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कोई टैबलेट दे दो जिसे खाते ही नींद आ जाए। अरे ये अंग्रेजी दवाइयाँ सारी बेकार हैं, सब खराब है। मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा कि आपको खाते ही नींद आ जाएगी, आप बस देखते जाइए। आप रुकिए 2 मिनट, मैं इसे पका कर लेकर आता हूँ। ये तो दवाई है, इसे खा कर देखो, अगर 5 मिनट में नींद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इतनी सारी चीज मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे के लिए दी थी, मुझे नहीं कराना इलाज। अरे अरे सुनिए तो, चलिए मैं ही खा लेता हूँ। अब आएगा मजा, अब सोऊंगा। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? ओहो बहुत देर कर दी आपने आने में। क्यों, क्या हुआ मुझे? अरे नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, वो असल में मैंने डबल चीज पिज्जा मंगवाया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने अकेले ही खा लिया, थोड़ी देर पहले आते तो आपको भी खिला देता। अरे अपनी रिपोर्ट देखकर बताइए ना मेरी चेस्ट में पेन क्यों है। कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। आपकी तो रिपोर्ट में सब कुछ उल्टा आ रहा है, लंग्स भी उल्टे हो गए हैं और हार्ट भी उल्टा हो गया है, इनकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या सर्जरी? ओहो सॉरी सॉरी, मैंने रिपोर्ट उल्टी पकड़ ली थी। ये आपने क्या खेल मचा रखा है, मुझे क्या हुआ ये बताइए। अरे आप शांत हो जाइए और जीभ बाहर निकालिए। आप प्लीज जल्दी से जल्दी अपने घर में से किसी को बुला लीजिए। क्यों, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? अरे नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी गैस बनी है, एक गिलास पानी में थोड़ा सा इनो मिलाकर पी जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर घर वालों को क्यों बुलाया? अरे वो तो मैंने सोचा कि अगर तुम अपने घर वालों को बुला लोगे तो तुम्हारे ऑटो के पैसे बच जाएंगे। अरे अरे डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, 3 दिन से उतर ही नहीं रहा। अच्छा बुखार है, 1 मिनट ये लो खुफिया माइसिन, इससे बुखार ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर थैंक यू। डॉक्टर साहब पेट में थोड़ी जलन सी हो रही है। ये लो खुफिया माइसिन, इससे ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ खाओ खाओ, बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल बेस्ट है बेस्ट। डॉक्टर साहब मेरा पति भाग गया पड़ोस वाली शीला के साथ। अरे यार घबराती क्यों हो, मेरे पास इसका भी इलाज है। है क्या? ये लो खुफिया माइसिन खाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसको जल्दी देखिए, थोड़ी देर पहले इसको हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल ले गए तो एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर तो नहीं गई? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ये लो खुफिया माइसिन। है? खुफिया माइसिन? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से कर दो गाइस सब्सक्राइब। बाय।